गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज लेसन नंबर 3 हम लोग रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, लेसन नंबर 3, टूटू द हेन। ओके, टूटू नाम का एक हेन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। वी विल सी व्हाट इट इज। ओके, रईस एड ए पेट। ओके, रईस नाम का एक लड़का है, उसके पास एक पेट है। पेट मीन्स जो फालतू जानवर वहाँ रहते हैं ना, दैट इज। ओके, इट वॉज ए ब्लैक एन। वॉट इट वॉज, इट वॉज ए ब्लैक एन। एक रईस नाम का लड़का है जिसके पास एक पेट है जो है एक ब्लैक हैन। सी ओ वही है पिक्चर में दिखाया गया है। ये लड़का है रईस और उसका पेट है जो ब्लैक है, ब्लैक हैन है। हर नेम वॉज टूटू। ओके, उसका नाम क्या था? टूटू। टूटू लिव्ड इन ए कूप। टूटू वॉज वेरी स्मार्ट हैन। टूटू कहाँ पे रहता था? जिस घर के जो बर्ड्स जो रहते हैं, जहाँ पे रखा जाता है, एक छोटा सा घर जैसा बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कूप। ओके, टूटू कहाँ पे रहता है? इट लिव्ड इन ए कूप। टूटू वॉज वेरी स्मार्ट हैन। टूटू कैसा था? बहुत ही स्मार्ट होशियार हैन था, मुर्गी। ओके, हम लोग हिंदी में इसको मुर्गी बोलते हैं ना, तो इट वॉज ए स्मार्ट हैन। रईस यूज़ टू गिव फूड टू हर एवरी डे एंड प्लेड विद हर। रईस क्या करता था? उसे रोज खाना खिलाता था और उसके साथ रोज खेलता था। दे बिकेम गुड फ्रेंड्स व्हेन टूटू लेड हैन एग। शी यूज़ टू मेक अ स्पेशल साउंड कुक कुक कुक। ओके, रईस क्या करता था? रोज उसको खाना खिलाता था, रोज उसके साथ खेलता था और दोनों वो लोग क्या हुए? बहुत अच्छे गहरे दोस्त हो गए। टूटू जब मुर्गी अंडे रखे उस मुर्गी ने, तो क्या हुआ? शी यूज़ टू मेक अ स्पेशल साउंड, एक स्पेशल साउंड बनाती करती थी जैसे कॉक कॉक कॉक। ओके, व्हेन शी लेड अ हैग। देन रईस केम आउट एंड फेड टूटू एंड टुक द हैग फ्रॉम हिम फॉर हिम। ओके, रईस फिर क्या किया? बाहर आया, उस टूटू को कुछ खाना वगैरह खिलाया और वो जो मुर्गी ने अंडे रखे थे उसे वो साथ जाते वक्त लेके गए अपने साथ। वन नाइट रईस वॉज स्लीपिंग इन द बेड। ही हर्ड द स्पेशल साउंड ऑफ टूटू कॉक कॉक कॉक। रईस केम आउट फ्रॉम द हाउस। एक दिन क्या हुआ, रात का वक्त रईस जब सोए हुए थे बेड में, तब उसको आवाज़ आती उसकी मुर्गी की कॉक कॉक करते हुए। तो रईस ये आवाज़ सुन के क्या हुआ, बाहर अपने घर से कमरे से बाहर निकल आया। टूटू रैन टू रईस एंड पेक्ड हिज लेग। रईस लुक्ड अराउंड टू सी व्हाट हैपेंड। ही स्मेल्ड समथिंग बर्निंग। रईस जब उधर गया टूटू के पास, देखा उसके पैर के पास क्या है करके। रईस लुक्ड अराउंड टू सी व्हाट हैपेंड। क्या हुआ रात को ये मुर्गी आवाज़ क्यों कर रही है? तब उसे जलने की बू आने लगी, खुशबू आती है जब जलता है कुछ भी, तो उसकी बू आती है जलने की बू, तो उसे जलने की बू आने लग गई। ओ माय गॉड द कूप इज ऑन फायर। ही शाउटेड। द कूप वॉज इन ए मेस। यानी वो जो कूप क्या है, जो मुर्गी जहाँ पे रहती थी, सी ओ वही है पिक्चर दिखाया गया है। यहाँ पे मुर्गी को रखा गया था और उधर क्या हुए थे, कूप में आग लग गई थी, इसके लिए वो जलने का बू आ रही थी। और ये देख के रईस को बहुत आश्चर्य हुआ, वो चौंक गए ये सब देख के और चिल्लाने लगा। रईस के रैन टू द टैप ऑफ वाटर एंड टुक द पाइप देन शावर द वाटर एंड पुट ऑफ द फायर। वो भागते भागते कहाँ गया? पानी लेने के लिए गया और एक पाइप लेके पानी के फव्वारे से उस आग को बुझा दिया। देन रईस बेंट एंड पिक्ड अप टूटू। You smart and my dear friend, you have saved my farm, said Rais. Tutu happily replied to Rais, kok kok kok. Okay, Rais क्या हुआ, खुश हो गए देख के कि इसने उसके खेत थे, Rais के क्या थे, खेत भी थे। तो बोलते तुम्हारे स्मार्टनेस की वजह से आज मेरा खेत बच गया, तुम बहुत समझदार मुर्गी हो। टूटू हैप्पीली रिप्लाई टू रईस। तो ये बात सुनकर मुर्गी बहुत खुश होती है और वो कॉक कॉक करने लगती है। ओके, ये है कहानी एक लड़के और उसकी मुर्गी की कहानी, जो एक फालतू मुर्गी जिसका कलर क्या है, ब्लैक। ओके, वो
उसके साथ रहता था और वो अपनी मुर्गी के साथ रोज खेलता था, उसको खिलाता पिलाता था। एक दिन क्या होती है, उसकी मुर्गी की जो घर रहता है छोटा सा कूप, उसमें आग लग जाती है और उसके पास ही उसका खेत भी रहता था, खेत भी है था। जब ये जलने की ये हो गए तो क्या करने लगी, टूटू कॉक कॉक करके चिल्लाने लगी रात को। तो ये आवाज़ सुन के रईस बाहर आया, देखा तो उसको मुर्गी का जो घर है वो उसमें आग लगी हुई थी। और वो लड़का पानी लेके पाइप से पानी डाल के उस आग को बुझा देता है और बाद में खुश होकर अपने हैंड से बोलता है, तुम बहुत ही समझदार दोस्त हो मेरा, तुम्हारे इसके वजह से आज मेरा खेत भी बच गया। उसका खेत उसके हैंड के कूप के पास ही था, अगर आग फैल जाती तो क्या होता, उसका फार्म भी जल जाता। तो उससे खुश होकर उसको तारीफ करते, तो हैंड क्या करती है, कॉक कॉक करके उसको रिप्लाई देती, मतलब शी थैंक्स टू हिम ऑल्सो। ओके, ये था कहानी। यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड्स वगैरह दिए हैं, आपके पास टेक्स्ट बुक्स वगैरह होंगे, इसको आपको लर्न करना है। PET पेट, HEN हेन, WENT वेंट, COOP कूप। ओके, पेरेंट्स के साथ बैठ के इसको लर्न करना है, किस तरह प्रोनाउंस करना है ये आपको पेरेंट्स आपके बताएंगे, एंड यू हैव टू रिपीट इट। ओके, थैंक यू।